देख सकते हो कितना मतलब तेज एक्टिंग लग रहा है ये तो देखने में। ये तो बस ऐसे ऐसे काजू और बादाम का, और देखिए ये भी जा रहा है चिकन में। अभी इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपको जब मिले 1K हमारा हो चुका है, पार हो चुका है, और बहुत प्यार मिला आपका। बहुत जो जो लोग भी शॉर्ट्स वीडियो देख के, लॉन्ग वीडियो देख के सब्सक्राइब कर रहे हो, थैंक यू सो मच। हमारे सारे वीडियो देखो, कंटेंट अच्छे देखोगे इंटरेस्ट आएगा ऑटोमेटिक। और कहीं चेंजिंग लाना है तो चेंजेस लाना है तो आप बताओ हमें ना, बिल्कुल अपना सजेशन आप कमेंट करते रहो, ताकि हम लोगों को भी ना मतलब लगे कि हाँ थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है हम लोग वीडियो बना लेते हैं पता नहीं चल पाते। जी बिल्कुल, चलो आगे देखेंगे क्या होता है। और बहुत सारे वीडियो में आप लोग YouTube में देखे होंगे कि रेसिपी सिखाया जा रहा है, यहाँ आप लोग कपल मिलकर रेसिपी सिखा रहे हैं, चिकन शाही कोरमा, दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ना मजेदार रेसिपी है सीखना। आप लोग एक बार जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करना और फीडबैक जरूर देना कि आप लोग जो बनाए हो वो कैसा बनाए, ठीक है? और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनू सुहानी ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैं अभी थोड़ी बहुत तैयार हूँ और अभी हम लोग जा रहे हैं बैंक, बैंक में कुछ काम है, छोटा मोटा काम है, ठीक है? तो अभी हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं, तो आगे मैं शेयर करूँगी, ठीक है? और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं शेयर करूँगी फूड रेसिपी कोरमा बहुत टाइम के बाद, ठीक है? तो वही सारा सामान वामान लाने जाना है, तो सुहान बैंक जा रहा था तो मैंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ, अपना कोरमा वाला सारा रेसिपी ना मैं शेयर करना है, तो सारा सामान भी ले लूँगी। तो देख सकते हो सुहान ने अपनी बाइक निकाल ली है, तो चलिए मिलती हूँ और ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है? बहुत कुछ मिलेगा इस ब्लॉग में आपको। नवादा से आने के बाद हम लोग बहुत दिनों के बाद आज निकले हैं, तो देख सकते हो बहुत कुछ न्यू न्यू चीज़, थोड़ा बहुत बदलाव आया है। कैसे रास्ता ही नहीं है तो गाइस काफ़ी अंधेरा है, और अभी बैंक आ चुके हैं हम लोग, चलिए दिखाते हैं क्या क्या होता है बैंक। ये सामने ही है बैंक। क्या बोलेंगे यहाँ से निकलने के बाद आपको दिखाते हैं आगे क्या करने वाले हैं। तो फाइनली बैंक से हम लोग निकल गए और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं घर के लिए। अभी कहाँ जाना है? अभी जाना है, मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर किया था ना चिकन कोरमा वाला, बहुत इम्पोर्टेंट सामान लाने जाना है। तो अभी चलिए चिकन कोरमा का सामान लेने जा रहे हैं, आज सुनो शायद आप लोग को अच्छा चीज शेयर कर दे ब्लॉग में चिकन कोरमा। A few moments later यहाँ पे कितने सारे सुंदर सुंदर फूल है, नर्सरी है एक्चुअली ये, यहाँ से आप फूल ले सकते हो, बहुत खूबसूरत लग रहा है और सारा कुछ खिला खिला है, देखो आप सारा कुछ खिला खिला है, वाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, इतना खूबसूरत। यहाँ से तो मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। तो गाइस देखो यहाँ पे हमारा चिकन बनेगा, इसीलिए सोनल साफ ऑफ कर रही है अच्छे से, और वहाँ देखो चिकन अच्छे से साफ कर दियो चिकन को। हाँ सारा कुछ साफ कर दिया। यहाँ पे देखो सोनल लेके आ चुका है गैस, और वहाँ पे देखो सिलेंडर जोड़ेगा उसमें, बहुत दिक्कत हो जाता है बट कोई नहीं, खाना है तो इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि मैं चिकन को कैसे कौन से मसाले में मैरिनेट करना है, यहाँ पे तो देखिए यहाँ सोनल लगी हुई है अपने काम में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने लिया अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ठीक है? पहले मैं सारा जितने भी मसाले हैं ना जो कि मैरिनेशन के लिए जाएगा, मैं एक कटोरी में डाल के इकट्ठा कर लूँगी, उसको मिक्स कर लूँगी, उसके बाद चिकन पे डालूँगी, ठीक है? अगर आपको डायरेक्टली भी आप चिकन पे डाल सकते हो, ठीक है, नो इशू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अदरक है ना, अदरक लहसुन में आपको अदरक का जो है, ठीक है, क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखना है एज़ कम्पेयर टू लहसुन का, ठीक है? तो देख सकते हो आप यहाँ पे एक चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ले लियो, और क्या करोगी? यहाँ कोरमा में आपको मैरिनेशन बहुत जरूरी है, और कोरमा में ना बहुत ज्यादा मसाला यूज नहीं होता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज होता है। ये धनिया पाउडर है, थोड़ा थोड़ा जितना भी मसाला है, तो इसमें बहुत थोड़ा सा डालना है, बहुत कम,
ठीक है। तो ब्लॉग में आपको चलिए कोरमा का रेसिपी भी शेयर कर रही है सोनल, और अगर अच्छा लगे पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा, और ये रेसिपी बहुत इजी है और एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल है। कश्मीरी रेड मिर्च, ठीक है, इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है और ये कम तीखा रहता है। और सबको मिक्स कर देना है ना। सबको मिक्स करूंगी। यहाँ पे नमक आपको एकदम हिसाब से लेना है क्योंकि ग्रेवी में भी नमक जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा कम क्वांटिटी में नमक लेना चाहिए। कम क्वांटिटी में मैं ले रही हूँ, देखो ये देखो दही, ठीक है, दही भी मैरिनेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, दही मेन है ना कोरमा का। हाँ। लेकिन हाँ, दही ना एक बार आप लोग मतलब चख के देख लीजिएगा कि बहुत ज्यादा वो खट्टी नहीं होनी चाहिए, अगर खट्टा होगा ना तो आपका पूरा टेस्ट बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, तो अभी मैं वही काम करूंगी, ये खट्टा है कि नहीं है। यहाँ सोनल टेस्ट कर रही है दही। खट्टा है तो देखिए खट्टा है। यहाँ पे देखो मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। तो और दही खट्टा है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, इसमें आप चीनी थोड़ा सा ऐड कर लेना। यहाँ पे मैं बस 2 चम्मच यूज करूंगी, ठीक है, बाकी दही हमारा ग्रेवी में यूज होगा। यहाँ पे देखो 3 चम्मच यूज कर लेती हूँ, 3 चम्मच। बंदी को इसके चैनल ब्लॉग चैनल को सपोर्ट करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। हाँ लो, यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत, तो ये देखिए कोरमा का मैरिनेशन बन गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखो आप देखो, तो देखिए यहाँ मैरिनेशन चला गया है ना, अगर आप कुछ देखो यहाँ पे बस ऐसे देखिए, तो इस तरह से आपको अच्छे से मैरिनेट कर लेना है, जिस तरह से सोनल कर रही है अच्छे से मैरिनेट करके। इसको कितने देर छोड़ा जाता है? इसको आप ना 20 मिनट्स के लिए, 20 मिनट के लिए आप छोड़ दो, उसके बाद और इसमें जैसे ना और सारी चीज का ग्रेवी का तब तक आप प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 4 मीडियम साइज का प्याज लिया था, और मैं ले रही हूँ 1 kg चिकन ना, 1 kg चिकन होगा तो उसमें से मुझे लगता है 800 ग्राम होगा वो, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने 4 मीडियम साइज का प्याज ऐसे पतले पतले करके काट लेना है, उसके बाद हैंड से इसको ना ऐसे ऐसे कर लेना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो मैंने रिफाइन ऑयल लिया है और इसको गोल्डन ब्राउन तक हमको फ्राई करना है, फिर इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ सोनल गर्मा गर्म कोरमा बनाने का पूरा व्यवस्था स्टार्ट हो गया है हमारा। और जैसे ये प्याज है इसको गोल्डन ब्राउन आपको कर लेना है, एकदम गोल्डन सुनहरा भूरा एकदम पूरा फ्राई। तो देखिए यहाँ सोनल जी ने अपना प्याज ब्राउन, देखो इधर प्याज को ना बहुत ज्यादा एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप फिर वो कोरमा में जाएगा ना तो वो टेस्ट ना थोड़ा अजीब सा लगेगा, तीखापन आ जाएगा, ठीक है। तो हल्का गोल्डन ब्राउन हुआ मेरा, उसके बाद निकालना है। देखो ऐसा गोल्डन ब्राउन करना है ना। हाँ। तो वीडियो में देख लीजिए अच्छे से, एकदम ऐसा ही गोल्डन ब्राउन आपको भी करना है जैसा सोनल जी ने किया है। इसको ठंडा होने के बाद क्या करोगी? इसको ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में पीसना है, और यहाँ पे देखो इतना सारा ऑयल बच गया है, इसी ऑयल को हम लोग इसी ऑयल में हमारा कोरमा बनेगा। हाँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने 4 से 5 बादाम लिया है, और यहाँ पे 10 पीस आई थिंक काजू होगा इसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखो ऑयल गर्म होगा, उसके बाद इसमें डालना है। ये हल्का रोस्ट होगा ना? हाँ बस हल्का हल्का सा फ्राई होगा, भून लीजिए हल्का सा। देखिए यहाँ प्याज का कलर देख लीजिए यहाँ, और ये भुनाने के बाद इसको मिक्सी में पीसना है। बस मिक्सी ग्राइंड। ये प्याज का पेस्ट है ना? हाँ ये प्याज का पेस्ट है। ये काजू और बादाम वाला पेस्ट है, काजू और बादाम का पेस्ट। और ये देखो ये जितने भी सारे खड़े मसाले, खड़ा मसाला है, तेजपत्ता हो गया, सहजीरा हो गया, यहाँ पे लौंग है, दालचीनी 2, और ये जावित्री, ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास जावित्री। और यहाँ पे देखो मैं ले रही हूँ छोटी इलायची 4, ठीक है, बड़ी इलायची नहीं लेना है, छोटी इलायची ले सकते हो। यहाँ पे देखो मेरा तेल जो है वो गर्म हो गया है, अब इसमें जाएगा ये सारा कुछ, देखो इलायची भी, ये फौरन पड़ गया ना, ये मैरिनेशन वाला चिकन सब इसके अंदर। ये अभी नहीं ग्रेवी के टाइम डाल दूंगी, डाल दो पीछे मोटी में देख लेना। कोरमा जो मेन चीज है ना, जितना भी खड़ा मसाला होता है ना उसका सारा फ्लेवर कोरमा के अंदर चला जाना चाहिए, जो खड़ा मसाला तुमने स्टार्टिंग में डाली ना। हाँ, जो भी इलायची हो गया, तेज पत्ता, लौंग, ये सारा।
अब मीडियम आंच पे इसको 5 मिनट ऐसी इसको पलटा मारते रहना है, ठीक है, इसको पलटते रहिए। उसके बाद ना ढक के पकाएंगे इसको, मतलब अभी ऐसे ही पकेगा ना। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो मैंने 5 से 7 मिनट तक ना इसको ऐसे ही करके पकाया है, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे। तो देख सकते हो आप इसका जितना भी पानी छोड़ा था ना चिकन, नहीं छोड़ रहा है ना। अब आप देखा वीडियो में मैरिनेशन का, सारा चिकन को 5 से 10 मिनट फ्राई कर दी। अब मैरिनेशन का जो भी मसाला है सब सूख गया है, देखो आप। अब इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और जो भी मसाला डालेंगे आपको दिखाएंगे आगे। यहाँ पे देखो मैं 1 चम्मच ले रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी इस मैरिनेशन के टाइम भी हम लोगों ने दिया था। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, 1.5 चम्मच करीब। 1.5 चम्मच फिर से डाल दी ना। और जब भी जैसे आप अदरक और लहसुन का पेस्ट डालते हो ना, एक बहुत ही छोटा सा मतलब टिप्स है, ठीक है, टिप्स बोलते हैं इसको। हाँ, टिप्स है कि जब भी आप अदरक लहसुन डालो ना, तो उसको थोड़ा सा गैस है ना हाई फ्लेम पे कर दो, ताकि अदरक लहसुन का जो ये आता है ना खुशबू, ठीक है, वो चला जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने 1 कप दही लिया हुआ है, ठीक है, करीब करीब 1 कप आराम से हो जाएगा होगा ये, ठीक है। अब इसमें सारा जितना भी मसाला है वो ऐड करूँगी। मैरिनेशन के टाइम भी हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मसाला उसमें ऐड किया था। अब यहाँ पे देखो ग्रेवी के लिए हम लोग दही में ही हम लोगों को सारा कुछ ऐड, तो पहले भी आपने देखा था दही में ही सब कुछ ऐड की थी, और अभी भी फिर दही में ही ऐड करिए सारा मसाला, और ये फाइनल है। धनिया पाउडर, धनिया, ये जीरा मरीच वाला पाउडर है, ठीक है, ये भी 1 चम्मच, ये जीरा मरीच, ये तो मस्ट है, ये तो मस्ट है। तो वो तीखा लाल नहीं लेना है, कश्मीरी लेना है आपको ये, और अब लूंगी तीखा लाल, थोड़ा सा तीखा, ये तीखा लाल, तीखा लाल, ओके, इसको मिक्स कर लो इसमें। दूसरा मसाला ये जो आपने अभी देखा दही में, ये डलेगा, और उसके बाद जो आपने प्याज देखा है, काजू देखा है, रुको सब्र करो, वो सब भी आने वाला है, वो सब भी डलेगा। तो सोचो कितना, देखो कितना होटल स्टाइल है और कितना मतलब यमी लग रहा है। सोचो इसमें कितने हेल्दी हेल्दी चीज़ जा रहे हैं, दही जा रहा है, काजू पेस्ट जा रहा है, बादाम जा रहा है। दही डालते वक्त है ना आपको थोड़ा सा आँच थोड़ा कम कर लेना है, अदरवाइज क्या होगा ना वो फटने लगेगा, क्योंकि इसमें दही है। यार क्या रंगत आ रहा है, कलर देख रहे हैं, कलर देखो। अब लास्ट में यहाँ पे देखो मैं नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने नमक यूज़ किया था, तो मैं थोड़ा कम ही डालूंगी। तो हमारा मैरिनेशन वाला जो मसाला था उसको वेस्ट क्यों करना है, इसमें डालना है। हाँ देखो, मैरिनेशन इसमें चिकन हुआ था, ये मसाला भी आप दही के साथ वाले मसाले में ऐड कर दो। तो देखो दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर आपको चिकन कोरमा बनाना सिखा रहे हैं बहुत। तो देखो यहाँ पे जो सोनल, क्या है ये, प्याज वाला ना। हाँ ये देखो प्याज वाला, जो प्याज फ्राई करके पीसी थी अब वो जा रहा है। देखो चिकन का कलर देखो यार आप लोग, वाओ कितना ट्रेमेंडस लग रहा है ना, ओह माय गॉड। फ्राई करना है। अगर आपको लगे कि थोड़ा आपका ग्रेवी जो है वो सट रहा है, तो आप हल्का सा पानी यूज कर सकते हो। और यहाँ वो प्याज इधर आ गया, अब 5 मिनट इसको फ्राई करना है। मैं यहाँ काजू का पेस्ट लेके जा रहा हूँ, और ये भी पड़ेगा आप चिकन में। देखिए यहाँ काजू का पेस्ट है, काजू और बादाम का, और देखिए ये भी जा रहा है चिकन में। माय गॉड कितना चिकन साई कोरमा, ओ माय गॉड। गाइस देखो यहाँ पे सारा कुछ चल गया, अब देखो कोरमा का असली कलर आ गया, सारा कुछ चल गया, प्याज भुजा हुआ, बादाम, सारे दही वही सब। अब इसमें बस थोड़ा सा पानी डालना है, और इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाना है, ताकि ये अच्छे से एकदम पक जाए। देखो हम लोग कैसे बैठ के बना रहे हैं, पीछे घर है, ये बालकोनी है, और काफी रात हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो पूरा उधर देखो, नजारे देख के बना रही हूँ मैं तो। हाँ, अब क्या करना है सोनल इसको? अब इसमें थोड़ा सा पानी देना है और ढकना है इसको 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद जब वो तेल छोड़ने लगेगा ना, तो फिर आपको जैसा ग्रेवी चाहिए, नॉर्मली इसका ग्रेवी जो होता है थिक ही होता है, ठीक है, तो आप लोग भी कम ही पानी डालना, बहुत ज्यादा पानी मत डालना। वो तो मतलब अभी थोड़ा सा फ्राई होगा, उसके बाद तेल जब छोड़ेगा तो पानी डाल देना है जितना ग्रेवी चाहिए। तो इसका चीज नहीं देगी। तो गाइस देखिए फाइनली क्या पानी अब डालना है इसमें, देखिए पूरा का पूरा सूख गया है। हाँ, जितना ग्रेवी चाहिए उतना ही पानी डालना है, ठीक है, इससे थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मतलब ये ज्यादा थिक हो गया, इससे थोड़ा कम थिक आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसे थोड़ा सा थिक रहता है चिकन शाही कोरमा।
डालो डालो और डालो, बस छोड़ दो, हो गया। देखो ज्यादा पानी नहीं डालना, नहीं देना है। देखो आप, और इसको भी सुखाना है ना। हाँ, थोड़ा थिक पेस्ट, जैसे अभी अभी थोड़ा सा उतना थिक नहीं लग रहा है ना। हाँ। थोड़ा सा और थिक होगा ये। अभी क्या करना है ना, अभी पानी डाले हो, थोड़ी देर के बाद इसमें गरम मसाला और धनिया डाल देना, उसके बाद ढक देना इसको। तो देखो अब पानी डालने के बाद पानी अब अपने अच्छे फॉर्म में आ गया है, अब इतना हम लोग को चलेगा। तो लास्ट में सीजनिंग के लिए आप ये गरम मसाला गया है इसके अंदर। यहाँ पे देखो घी है, घी को बस ऐसे ऐसे डालो। तो देखो यहाँ घी भी चला गया, ओ कितना डिलीशियस लग रहा है। तो अभी जस्ट सोनल ने डाला था, अभी गैस हम ऑफ कर दिए क्योंकि और चिकन बन गया है। चलो अब इसको लेके रख देते हैं अंदर और यहाँ पे साफ ऑफ कर दें। तो देख फाइनली देखो मेरा चिकन कोरमा, आह क्या डिलीशियस और यमी लग रहा है। देखो मेरा चिकन कोरमा, देखो पूरा बैठ गया है, मैं अगर दिखा पा रहा हूँ तो पूरा बैठ गया। देखो बस खाने की देरी है दोस्तों, ये देखो लेग पीस, ओह माय गॉड। कौन देखे सोनल पूरा कोरमा कढ़ाई लेके बैठ गई, इसका बात ही अलग है दोस्तों, बात ही अलग है। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स में। और ये छोटा सा ब्लॉग था, कोशिश करेंगे ये छोटा ही रहे ताकि आप लोगों को समझ में आए। और जो भी अब लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो को, जरूर सब्सक्राइब करना यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ नहीं जाता यार, फ्री का है, सब्सक्राइब करो।